हे गाइस, आर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें क्योंकि ये नेक्स्ट एग्जाम आने वाले एग्जाम में बहुत ही मदद हो सकती है ये वीडियो, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में नीरज चोपड़ा के नाम पर आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्टेडियम का अनावरण किसने किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगस्त 2021 में नीरज चोपड़ा के नाम पर आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्टेडियम का अनावरण किसने किया। नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह ने स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा। नेक्स्ट कर रहा है, अपच के उपचार के लिए किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है। अपच के उपचार के लिए किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है, प्रतिजैविक, दर्दनाशक, अम्लनाशक, एंटीसेप्टिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्ल नाशक। अपच के उपचार के लिए अम्ल नाशक दवा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कर रहा है, किस क्रिकेटर ने स्टेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है। किस क्रिकेटर ने स्टेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है। ऑप्शन है कपिल देव, सौरभ गांगुली, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है स्टेट फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट कर रहा है, हाल ही में खबरों में रहा ई अमृत पोर्टल का किस संगठन की एक पहल है। ई अमृत पोर्टल किस संगठन की एक पहल है। ऑप्शन दिया हुआ CSIR, नीति आयोग, वित्त आयोग, DRDO। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। ई अमृत पोर्टल नीति आयोग की एक पहल है। नेक्स्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी फिर से रंगीन हो जाता है, इसका कारण क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड जब अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो चूने के पानी रंगीन हो जाता है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट कर रहा है, वायु गुहाओं वाली लंबी कोशिकाओं और वायु कोश वाले फेफड़े किस वर्ग की विशेषता है। वायु गुहाओं वाली लंबी अस्थियां और वायु कोश वाले फेफड़े किस वर्ग की विशेषता है। ऑप्शन है उभयचर, स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पक्षी। नेक्स्ट कर रहा है, चांदी को खुले में रखने पर आमतौर पर इस पर लगने वाले जंग का रंग कैसा होता है। चांदी को खुले में रखने पर आमतौर पर इस पर लगने वाले जंग का रंग कैसा होता है, नीला, काला, हरा, भूरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, काला हो जाता है। नेक्स्ट करा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। नेक्स्ट
नेक्स्ट कह रहा है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है? रेडियो, बल्ब, टेलीविजन, कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बल्ब एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राकेश अस्थाना, अतुल करवाल, अमीर वानखेड़े, सत्यनारायण प्रधान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सत्यनारायण प्रधान, सत्यनारायण प्रधान। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया हुआ, ओम के नियम का सूत्र क्या है? ओम के नियम का सूत्र क्या है? ऑप्शन है जी बराबर आई बाई आर, भी बराबर आई आर, आर बराबर भी इंटू आई, भी बराबर आई आर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पौधे में नर और मादा के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पौधों में नर और मादा के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रजनन, परागण, निषेचन, युग्मनज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, निषेचन। पौधे में नर और मादा के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया हुआ है, धातु संवहन संबंधित है तो गैस, धातु में संवहन होता है तो गैस में क्या होता है? घूर्णी, स्थानांतरण, संवहन या विकिरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, गैस में भी संवहन होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अनुदार बल नहीं है? निम्न में से कौन एक अनुदार बल नहीं है? ऑप्शन घर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, घर्षण बल एक अनुदार बल नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया हुआ है, प्रायिकता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? प्रायिकता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है प्रतिशत, समानुपात, अनुपात, उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। प्रायिकता को प्रतिशत, अनुपात, समानुपात सभी में व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है, कालीकट का शासक कौन था जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा? कालीकट का शासक कौन था जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा? ऑप्शन है गोविंद द्वितीय, राजेंद्र चोल तृतीय, ध्रुव, जामोरिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जामोरिन। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया हुआ, एक कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? एक कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है टिंडल प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, डॉपलर प्रभाव या ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया हुआ, त्वचा के रंग के लिए कौन सा रंग द्रव्य जिम्मेदार है? त्वचा के रंग के लिए कौन सा रंग द्रव्य जिम्मेदार है? ऑप्शन केराटीन, मेलानिन, ग्लोबुलिन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मेलानिन। त्वचा के रंग के लिए मेलानिन जिम्मेदार है।
नेक्स्ट कह रहा है, किसने 2021 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स जीता? किसने 2021 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स जीता? मैक्स वर्स्टैपन, लुइस हैमिल्टन, वोल्टेरी बोटास या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैक्स वर्स्टैपन। मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। नेक्स्ट दिया हुआ, किस शासक ने श्रीलंका पर कब्जा किया और गंगा कोंडा की उपाधि धारण की? किस शासक ने श्रीलंका पर कब्जा किया और गंगई कोंडा की उपाधि धारण की? ऑप्शन है राजेंद्र चोल प्रथम, राजा चोल प्रथम, विजयालय चोल, राजाधिराज चोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी भी वस्तु द्वारा गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? किसी भी वस्तु द्वारा गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आवेग, टॉर्क, जड़ता, क्वार्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जड़ता। नेक्स्ट कह रहा है, किस राज्य को 2021-22 के सबसे समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है? किस राज्य को 2021-22 के सबसे समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन तेलंगाना, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश 2021-22 का सबसे समुद्री राज्य पुरस्कार आंध्र प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 24 कह रहा है, निम्न में से कौन एक बल नहीं है? निम्न में से कौन एक बल नहीं है? तनाव बल, अभिलंब बल, द्रव्यमान बल या भार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान बल नहीं है, द्रव्यमान एक बल नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है, वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप ई संपदा किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप ई संपदा किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक, हर्षवर्धन, जितेंद्र सिंह, हरदीप सिंह पुरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हरदीप सिंह पुरी। किसके द्वारा किया गया? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ई संपदा वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट कह रहा है, 2021 तक आईपीएल में 6,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? 2021 तक आईपीएल में 6,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन है विराट कोहली, किरण पोलार्ड, हर्षल पटेल, रोहित शर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली। नेक्स्ट दिया हुआ, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केरल। क्या हो जाएगा? केरल। नेक्स्ट दिया हुआ है, HNO3 का आण्विक द्रव्यमान क्या है? HNO3 का आण्विक द्रव्यमान क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 63। क्या हो जाएगा? 63। HNO3 का आण्विक द्रव्यमान 63 है। कहते हो HNO3, HNO3। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? एक। हाइड्रोजन का एक, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16। तो 3 है तो 16 तिया 48, सबको जोड़ देंगे
सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा ये 63। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है वेदांगथंगल पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। वेदांगथंगल पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। वेदांगथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया हुआ है समीकरण AgNO3 प्लस NaCl जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? AgCl प्लस NaNO3 का रासायनिक प्रकार ज्ञात करें। यानी ये रिएक्ट करके जो AgCl और NaNO3 बनाया किस प्रकार का है? ऑप्शन दिया उदासीकरण, अवक्षेपण, अवशोषी, अवघटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अवक्षेपण अभिक्रिया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया हुआ अक्टूबर 2021 में किस राज्य की पहली प्रधानमंत्री वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस PM वाणी परियोजना की शुरुआत हुई? ऑप्शन दिया हुआ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया हुआ 283 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व आवर्त सारणी में किसके अंतर्गत आता है? 283 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व आवर्त सारणी में किसके अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समूह 13 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 किसने जीता? सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 किसने जीता है? आंसर है तुलसी कुमार, बेला स्टैंडे, नेहा कक्कर, सावनी रविंद्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सावनी रविंद्र। नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया हुआ मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन है बड़ी आंत, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग छोटी आंत है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हबन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका में स्थित है। हबन टोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया हुआ भारतीय मुद्रा नोट के पीछे की तरफ कितनी भाषाएं छपी होती है? ऑप्शन है 10, 12, 14, 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 15 भाषाएं छपी होती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है PNG का पूर्ण रूप क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। PNG का पूर्ण रूप पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया हुआ है भारतीय रेल संग्रहालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है पटना, मुंबई, दिल्ली, बंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, रेल संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया हुआ सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है
न्यूमिसमेटिक्स क्वाइन, तो वैक्सिलोलॉटिक्स क्या, न्यूमिसमेटिक्स में क्वाइन का अध्ययन किया जाता है, तो वैक्सिलोलॉटिक्स में किसका अध्ययन किया, ऑप्शन दिया हुआ वैक्स कैंडल फ्लैक्स प्लांट्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप लोग कमेंट का इंतजार रहेगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, और दोस्तों में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और सेशन कैसा लगा दो सब लिख कर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।